मैं पीके पाटसाणी जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्टल सामिक यूनियन एंड कॉन्वेनर एनजेसी ओडिशा। 20 साल से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा था कि पेंशन के लिए, आज सरकार हमारा जो डिमांड है इसको फुलफिल किया है। अभी जो नौजवान है इनको पेंशन मिलने का काम होगा और इनको इनका लास्ट 12 मंथ का बेसिक को एवरेज लेके 50% पेंशन मिलेगा और जो गुजर जाएगा इनको 60% पेंशन मिलने का काम होगा। फैमिली पेंशन भी 10,000 जो है, मिनिमम 9,000 था, इसको 10,000 मिलने का काम होगा और जो बाकी रहेगा सरकार के पास डिमांड भी रहेगा और बाकी जो 8 पे कमीशन के लिए भी हमारा जो डिमांड है वो डिमांड भी सरकार के पास है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो नौजवान का जो पेंशन इसको सैंक्शन करने का काम किया, ये इसको रेलवे कर्मचारी इनका फैमिली मेंबर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष कर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इनका बिजी शेड्यूल में भी वो फॉरेन से आने के बाद इमीडिएट कैबिनेट मिनिस्टर बुला के हमारा आदरणीय जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का नेतृत्व में केंद्र सरकारी कर्मचारी का जो बैठक हुआ इसमें जो निष्पत्ति हुआ, इसलिए मैं शिव गोपाल मिश्रा और नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पीके पाटसाणी जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्टल सामिक यूनियन एंड कॉन्वेनर एनजेसी ओडिशा। 20 साल से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा था कि पेंशन के लिए, आज सरकार हमारा जो डिमांड है इसको फुलफिल किया है। अभी जो नौजवान है इनको पेंशन मिलने का काम होगा और इनको इनका लास्ट 12 मंथ का बेसिक को एवरेज लेके 50% पेंशन मिलेगा और जो गुजर जाएगा इनको 60% पेंशन मिलने का काम होगा। फैमिली पेंशन भी 10,000 जो है, मिनिमम 9,000 था, इसको 10,000 मिलने का काम होगा और जो बाकी रहेगा सरकार के पास डिमांड भी रहेगा और बाकी जो 8 पे कमीशन के लिए भी हमारा जो डिमांड है वो डिमांड भी सरकार के पास है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो नौजवान का जो पेंशन इसको सैंक्शन करने का काम किया, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे कर्मचारी इनका फैमिली मेंबर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष कर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इनका बिजी शेड्यूल में भी वो फॉरेन से आने के बाद इमीडिएट कैबिनेट मिनिस्टर बुला के हमारा आदरणीय जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का नेतृत्व में केंद्र सरकारी कर्मचारी का जो बैठक हुआ इसमें जो निष्पत्ति हुआ, इसलिए मैं शिव गोपाल मिश्रा और नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पीके पाटसाणी जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्टल सामिक यूनियन एंड कॉन्वेनर एनजेसी ओडिशा। 20 साल से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा था कि पेंशन के लिए, आज सरकार हमारा जो डिमांड है इसको फुलफिल किया है। अभी जो नौजवान है इनको पेंशन मिलने का काम होगा और इनको इनका लास्ट 12 मंथ का बेसिक को एवरेज लेके 50% पेंशन मिलेगा और जो गुजर जाएगा इनको 60% पेंशन मिलने का काम होगा। फैमिली पेंशन भी 10,000 जो है, मिनिमम 9,000 था, इसको 10,000 मिलने का काम होगा और जो बाकी रहेगा सरकार के पास डिमांड भी रहेगा और बाकी जो 8 पे कमीशन के लिए भी हमारा जो डिमांड है वो डिमांड भी सरकार के पास है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो नौजवान का जो पेंशन इसको सैंक्शन करने का काम किया, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे कर्मचारी इनका फैमिली मेंबर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष कर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इनका बिजी शेड्यूल में भी वो फॉरेन से आने के बाद इमीडिएट कैबिनेट मिनिस्टर बुला के हमारा आदरणीय जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का नेतृत्व में केंद्र सरकारी कर्मचारी का जो बैठक हुआ इसमें जो निष्पत्ति हुआ, इसलिए मैं शिव गोपाल मिश्रा और नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ।